देखिए, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया था, ठीक है? दैट वाज न्यूट्रिशन, ठीक है? इसको हमने कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन को। आज जो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? न्यूट्रिशन के बाद में सेकेंड लाइफ प्रोसेस क्या हो सकती है, जो आपको भी पढ़ना है, आपके लेवल पे है, आपको इसी क्लास में पढ़ना है, 11th में, ठीक है? सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, दैट इज ग्रोथ। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रोसेस है जो सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलता है, ठीक है? अब चाहे वो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हों और आइदर दे आर मल्टी सेल ऑर्गेनिजम, सब में मिलेगा ये ग्रोथ। तो ग्रोथ भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस ही है, आप ये कह सकते हो, ठीक है? लाइफ प्रोसेस ही है, या हम इसे और भी क्या कह सकते हैं कि ये एक करेक्टर है लिविंग बींग्स का, ठीक है? और इट इज अ करेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स, डन। ये अब देखिएगा, नॉर्मली अभी जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में न्यूट्रिशन, सेकेंड जो लाइफ प्रोसेस है, जो करेक्टर है, वो ग्रोथ है। आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? जिसमें हम द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पर हम सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हम मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे जो होंगी, उसमें आपको एक तो ग्रोथ मिलेगा, एक रिप्रोडक्शन मिलेगा, एक मेटाबॉलिज्म मिलेगा, ठीक है? एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और एक कॉन्शियसनेस मिलेगा। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम वहां पे डिस्कस करेंगे, उसी में से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है? तो बहुत ज्यादा नहीं, पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग बींग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें समझ में आ गया। कैसा फीचर है, जैसे कि अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने लिखा नहीं था, लेकिन आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन भी एक तरह से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो डिफाइनिंग था, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो है तो ये करैक्टर है लिविंग बींग्स का, लेकिन ये कैसा है, नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, ये है, ठीक है? ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स का। अब यहाँ पे आप एक वर्ड को अच्छे से समझ लीजिएगा आज ही, कि एक तो नॉन डिफाइनिंग फीचर लिखा हुआ है, एक मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, न्यूट्रिशन इज अ डिफाइनिंग फीचर। कैसे? दो तरह के फीचर्स होते हैं, यानी कि जो ये कैरेक्टर्स हैं, बेटा अपना माइक माइक म्यूट करें, किसी का माइक अनम्यूट है, किसी का माइक अनम्यूट है, निखिल, ऐसे ठीक दिखाई देगा जैसे आपको। हाँ, ठीक है। तो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दे मे बी आइदर डिफाइनिंग और दे मे बी नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है? क्वेश्चन आता है कि कौन से तो डिफाइनिंग फीचर होते हैं और कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं, और क्या मतलब होता है इनका, ठीक है? करेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये आपका कोरिलेट करके चल रही है, आपका 10th का भी बेसिक है इसमें, और 11th का जो आप पढ़ने वाले हो, आपको ताकि कुछ नया ना लगे इस टाइम पर पढ़ने में, ठीक है? तो फर्स्ट है, दैट इज डिफाइनिंग, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहा है ना सबको यहाँ पे इस साइड, और सेकंड जो हमने यहाँ पे लिखाई हुआ है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं ना, ये दे हैव सम एक्सेप्शंस, ठीक है? दे हैव सम एक्सेप्शंस, ये तो हो गए आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। और जो आपके डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, दे हैव नो एक्सेप्शंस, इनके कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं।
तो जो डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर आते हैं जो आप पढ़ोगे, ठीक है, वो कौन कौन से पढ़ोगे आप? एक तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइनिंग फीचर के अंदर आता है। सेकंड, आप इसी के अंदर पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म, 11th में स्पेसिफिक। और थर्ड आप पढ़ोगे कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। ये तीन तो आप अब पढ़ोगे। अच्छा, आपके लेवल पे आपने जो लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ी है, न्यूट्रिशन जो होता है दैट इज आल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ दो फीचर्स ही आते हैं, एक तो ग्रोथ जो अभी हम पढ़ रहे हैं और एक रिप्रोडक्शन। एक्सेप्ट दीज टू कैरेक्टर्स, जितने भी लाइफ प्रोसेस के कैरेक्टर्स होंगे दे विल बी द पार्ट ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, दे हैव नो एक्सेप्शंस एंड दे हैव सम एक्सेप्शंस। क्या मतलब है इसका? देखो ध्यान से समझना, ये ऐसे फीचर्स हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। अगर किसी भी लिविंग बींग्स के अंदर ये फीचर्स नहीं होते हैं तो डेफिनेटली उस लिविंग बींग्स की लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी कंप्लीटली हेल्दी सर्वाइव इन सम सिचुएशंस इफ एनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर अफेक्टेड इन दैट इंडिविजुअल। ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं, ये ऐसे फीचर्स हैं जो सब में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये एब्सेंस है किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स में तो इससे उन ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ पर कोई फर्क पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? अगर इनमें से कोई भी एक लाइफ प्रोसेस या कैरेक्टर ऑफ लाइफ किसी एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा हेल्दी वे में, डेफिनेटली उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फीचर नहीं देखने को मिलेगा तो वो आराम से सर्वाइव करेगा। जैसे कि ग्रोथ किसी के अंदर नहीं हो रही है, कुछ टाइम तक ग्रोथ हुई उसके बाद ग्रोथ नहीं हुई। हम एक बौने पर्सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ड्वार्फिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ड्वार्फिज्म के केस में क्या होता है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है उसके बाद नहीं होती है। तो क्या इससे अगर उस ड्वार्फिज्म इंडिविजुअल की एज 60 ईयर है और उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, हाइट नहीं हुई है, तो क्या इससे उसकी लाइफ पे कोई फर्क पड़ा? नहीं ना, वो आराम से 60 ईयर अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। रिप्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं सब में, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स, को बहुत सारे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो इनफर्टाइल होते हैं। तो जो इनफर्टाइल इंडिविजुअल्स होते हैं इससे क्या उनकी लाइफ रुक जाती है? नहीं, वो आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस या करेक्टर स्टॉप हो गया, रुक गया, तो डेफिनेटली उस इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। इन्हीं फीचर्स को हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर। समझ में आया? हाँ जी, सबको समझ में आया, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो ये वाला फीचर पढ़ना है। हमें पता है ग्रोथ लाइफ प्रोसेस तो है, करेक्टर भी है लिविंग बींग का, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। एक्चुअल में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ सेल साइज, सेल मास या ओवरऑल बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग इन सेल साइज या सेल मास या और ओवरऑल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, और इंक्रीज इन ओवरऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इंक्रीजिंग इंक्रीज ओवरऑल द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ग्रोथ। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रोथ, ये जो है पूरा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो कितने टाइप की होती है, क्या सिर्फ लिविंग बींग्स में ही देखने को ग्रोथ मिलती है या नॉन लिविंग बींग्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हम उसे डिस्कस करते हैं, सुनना हो।
यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड पे? वो शायद दिखाई दे रही है। हाँ बच्चों, ठीक है, ग्रोथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका टाइप, थोड़ा बाहर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है, हाँ एग्जैक्टली बाहर जा रहा है। अभी अच्छा, और थोड़ा, ठीक है, अब ठीक है, ओके, ठीक है ना। हाँ तो ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रोथ के टाइप्स, ठीक है, टाइप ऑफ ग्रोथ। ये यहां पर इसका जो बेसिस रहेगा, वो बेसिस रहेगा कि वो कंटिन्यूअसली है या अनकंटिन्यूअसली ग्रोथ है। तो ऑन दैट बेसिस जनरली ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तो होती है डेफिनेट ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ कह सकते हैं आप इसे, या हम इसे कह सकते हैं लिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। दिस मे बी डेफिनेट ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड हो सकती है आपकी इन डेफिनेट ग्रोथ, इन डेफिनेट ग्रोथ, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। ये सेकेंड टाइप की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। ये जनरली जो ग्रोथ है बेसिकली लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, डिफाइनिंग फीचर को ना और नॉन डिफाइनिंग फीचर में किसी किसी बुक में इस तरह से भी मेंशन होता है कि ये लिविंग बींग्स के साथ साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका भी करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसीलिए हम इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। ग्रोथ में भी वही चीज होती है, ग्रोथ लिविंग बींग्स में तो होगा ही होगा, लेकिन लिविंग बींग्स के अलावा आप इसे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी पढ़ोगे, ठीक है। तो उस बेसिस पर भी यहाँ पर इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर के अंदर ही इसको क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। तो डेफिनेट ग्रोथ और इनडेफिनेट ग्रोथ, देखिए डेफिनेट का जो मतलब है नाम से पता चल रहा है, लिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ मतलब देखने को मिलेगी, अराइज होगी, ग्रोथ अकर होगी और उसके बाद में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इनडेफिनेट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, जब तक उस इंडिविजुअल की, जब तक उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ होगी तब तक ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होगी। आया समझ में? यहां पर ग्रोथ स्टॉप एट अ सर्टेन लाइफ टाइम और एट अ सर्टेन आप कह सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, एक पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहां पर अनकंटिन्यूअसली, ठीक है, क्या होती है, ग्रोथ लगातार होती ही रहती है। जब तक उस इंडिविजुअल की लाइफ है तब तक ग्रोथ खत्म नहीं होती है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन होंगे और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन होंगे, बताओगे? जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऑल एनिमल्स, ये तो आते हैं, हाँ कोई भी टाइप का, आइदर देयर बर्ड्स, इंसेक्ट, कोई भी एक्स वाई जेड, ऑल एनिमल्स हैव दिस डेफिनेट ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अलावा और कौन हो सकते हैं, प्लांट्स, ठीक है, तो ऑल प्लांट्स दे हैव कौन सी वाली ग्रोथ, इनडेफिनेट ग्रोथ, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ, हाँ अनलिमिटेड ग्रोथ उनमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। अगर रीजन पूछा जाए कि व्हाई प्लांट्स सो इनडेफिनेट ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ, क्यों प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ शो होती है, एनिमल्स के पास तो नहीं होती है, एनिमल्स में तो एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लेकिन प्लांट्स जब तक जिंदा रहता है तब तक उसमें नए नए पत्तियां, नए नए फूल, है ना, उसकी ग्रोथ लगातार होती ही रहती है, रुकती नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे वेरी सिंपल रीजन है, क्योंकि प्लांट्स के पास में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है उनके पास में। वी डोंट हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एनी एनिमल नॉट हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनफैक्ट ऑल द प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सारे प्लांट्स के पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट्स बॉडी दे शो दिस ग्रोथ। आया समझ में सबको? आप इसके पीछे रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो मैं इस पॉइंट को लिख भी देती हूँ कि प्लांट्स के पास में, ऑल प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल भी कह सकते हैं क्योंकि सेल्स से ही तो टिश्यू बनेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेल्स। सो दैट दे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा ओके ओके, चलिए ठीक है, तो मैं इसको इधर ही लिख देती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। प्लांट्स, ओके प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो दैट दे शो इनडेफिनिट ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। एक ही मतलब है, इनडेफिनिट ग्रोथ कह लीजिए या अनलिमिटेड ग्रोथ कह दीजिए, ठीक है। यहां तक नोट करिए बेटा जल्दी से, आप तो दिख रहा है ना पूरा, बोल भी दिया है मैंने, आप वहां से भी देख सकते हो, है ना। रब कर दूं? एनिमल का कभी कोई पूछे कि क्यों नहीं होती है एनिमल में इनडेफिनिट ग्रोथ? बिकॉज एनिमल डू नॉट हैव एनी मेरिस्टेमेटिक सेल और टिश्यू लाइक द प्लांट्स, सो दैट दे ऑलवेज शो लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। रब कर दो बेटा, ठीक है, इस साइड का रब किया है, वहां का आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, एक हमने पढ़ लिया दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, है ना। अब ये तो हो गया आपका डेफिनेट ग्रोथ और एक इनडेफिनिट ग्रोथ, सभी प्लांट एनिमल्स में होता है, वो सब प्लांट्स में होता है, रीजंस हमने जान लिए इसके। दूसरा, ये जो ग्रोथ होती है लिविंग बींग्स में देखने को मिलती है, सभी लिविंग बींग्स में, ठीक है। एक और होता है, अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ, अनदर टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ ग्रोथ है, ये इसी की वजह से इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में कंसीडर किया गया है इन सम बुक्स में। तो अगर उस बेसिस पर ये ग्रोथ भी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड द अनदर वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। देन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। चलिए अब हमें यह समझना है क्या होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और क्या होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ लिख दूं तो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, मतलब ऑल लिविंग बींग्स, सब में देखने को मिलेगी, ऑल लिविंग बींग्स, सभी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे दे पजेस या दे शो इंट्रिंसिक ग्रोथ। वाइल अगर हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में जो आते हैं बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ जो एबायोटिक, पहले दोनों ही हो रहा था बेटा, अभी जस्ट अ मिनट क्या करें, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। पहले सब ठीक था, अचानक से क्या हो गया? अभी ठीक है क्या? थोड़ा ठीक हो गया ना, अब ठीक है ना? चलिए ठीक है,
तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये जो है ये अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में आती है ये वाली जो ग्रोथ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ जिसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे माउंटेन्स है ना। माउंटेन्स क्या होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। देखो नाम से पता चल रहा है, इंट्रिंसिक वर्ड कभी भी आए ना तो ग्रोथ अकर्स इनसाइड द बॉडी। यहां पर क्या होगा, ग्रोथ जो होती है अकर्स इनसाइड द बॉडी, वो तो हो गई आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अगर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की तो ग्रोथ अकर्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ अकर्स आउटसाइड द बॉडी, ऐसी वाली जो ग्रोथ होती है उसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि आप समझिएगा जो माउंटेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग हुई एक टाइम तो ग्रोथ कम हो गई, लेकिन सडनली क्या हुआ, अगर सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है ना, या किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट का डिपोजिशन हो रहा है, तो डिपोजिशन होते होते क्या होता है, उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई। या दूसरा एक और एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ये मेरे पास में चौक है, अगर हम इस चौक को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, 5 से 10 मंथ्स बाद आकर के देखेंगे तो क्या बिल्कुल ये सेम टू सेम इसी पोजीशन में मिलेगा, नहीं ना, इस पर बहुत सारे डिपोजिशन हो चुका होगा, डस्ट का, किसी कलर का, किसी भी चीज़ का, हो सकता है इसकी डिग्रेडिंग हो रखी हो, तो ये सब क्या हो रखा है, ये जो ग्रोथ होगी जो इसकी बॉडी के ऊपर देखने को मिल रही है हमें, वो ग्रोथ तो हो गई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो बेसिकली किसके, किसी पर्टिकुलर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के डिपोजिशन की वजह से हो रही है। लेकिन ये वाली जो ग्रोथ है ये हम सब में होती है। ठीक है, ये ग्रोथ बेसिकली क्या है, इनसाइड द बॉडी में देखने को मिलती है। सेल्स हमारे बॉडी के डिवाइड करते हैं तभी तो हमारी ग्रोथ होती है, तभी तो हम इतने से इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ये ग्रोथ होती है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर होती है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। ठीक है, ये वाली जो ग्रोथ थी सिर्फ लिविंग बींग्स में थी, बस किसमें कितने टाइम तक ग्रोथ हो रही है उसके बिहाफ पर इसको क्लासीफाई किया गया। ये जो ग्रोथ है लिविंग्स के साथ साथ में नॉन लिविंग बींग्स में भी देखने को मिल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको क्लासिफाई दो टाइप में किया गया, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जनरली जो माउंटेन फॉर्मेशन होते हैं या जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जो ऑर्डर होता है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के अंदर में आता है, अदरवाइज जो भी लिविंग बींग्स की जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक के अंदर में आती है। किसी किसी बुक में इंट्रिंसिक ग्रोथ को ही क्लासीफाई कर दिया गया है डिफिनिट और इंडेफिनिट ग्रोथ में, क्योंकि ये ऑल लिविंग बींग्स में मिल रही है। तो अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक हो रही है दैट विल बी कंसिडर एज डेफिनेट ग्रोथ, और अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ एक अनलिमिटेड टाइम तक हो रही है दैट विल बी कंसिडर एज इनडेफिनेट ग्रोथ। क्लियर है, ये आपका ग्रोथ वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो बेसिकली दो हमने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया, एक न्यूट्रिशन एक ग्रोथ। अब थर्ड जो लाइफ प्रोसेस है उसे और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जो ग्रोथ होती है बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ को, और जो अभी हम थर्ड लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, वो दोनों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। अभी मैं समझाती हूँ उसको चीज। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप सबने, रब कर दो इस पूरे को, पूरे को। ठीक है, चलिए ओके। तो अब हम थर्ड लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक नॉन डिफाइनिंग फीचर ही है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज रिप्रोडक्शन। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन स्पेशली इन सिंगल सेल्ड और लोअर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया है ना, उन सब में उनको सिनोनियम बोला गया एक दूसरे के, दे बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर। सो नाउ द थर्ड लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। देखो अभी मैंने बोला ये जो रिप्रोडक्शन है इट इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टर या प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है इसको, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये हो जरूरी नहीं है। देर आर सो मैनी प्लांट्स, देर आर सो मैनी एनिमल्स, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू, दोज डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन इससे उनकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, बाकी के प्रोसेसेस उनके लाइफ में कंप्लीटली अच्छे से कैरिड ऑन होती हैं।
लेकिन फिर भी इस प्रोसेस के लिए एक लाइन होती है, क्या है तो नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन हो उसके अंदर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो। सपोज करिएगा कि सभी ऑर्गेनिम्स में एक साथ रिप्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी है, जो करेक्टर है, वो बंद हो गया, तो क्या होगा? अभी तो लाइफ है, एक कांस्टेंट फेज तक रहेगा, एंड लेटर ऑन क्या हो जाएगा? अर्थ विल बी लाइफलेस, कोई लाइफ ही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चों जैसे क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, सेम आईडी एंड पासवर्ड पे। तो ये है, इसलिए अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं, पर ये दोनों ही कैसे हैं? दे बोथ आर सिनोनिम टू ईच अदर, सिनोनिम टू ईच अदर, स्पेशली इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक इन अमीबा, लाइक इन बैक्टीरिया, लाइक अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उसमें है ये। कैसे? देखो, समझिएगा इस चीज को। ये एक अमीबा का सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है एंड सब कुछ, ठीक है, ये ब्लर, ओके, वेट, अब बताइएगा, अभी है, हाँ, इट्स क्लियर, अब क्लियर है? तेजस की तरफ से तो आ गया कि क्लियर है? अभी भी ब्लर है क्या? क्लियर है ना? चलिए, हाँ ठीक है। तो ये क्या है? ये एक अमीबा की सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल ही है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है। ये अमीबा की सेल में क्या होगा? अभी ये एक इमैच्योर है, हम ऐसे कह सकते हैं, जस्ट अभी बर्थिंग के बाद का अमीबा है। इसमें क्या होगा? ये मैच्योरेशन फेज में जाएगा, ये बड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा? इसी में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसमें मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन होते ही क्या हो जाएगा इसमें? इस तरह से इस एक के अंदर ही दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी नेक्स्ट स्टेज बनेगी, यानी कि ये तो क्या हो गया, दिस अमीबा विल फॉलो नाउ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, पहले तो ये मैच्योर करेगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और फिर ऐसे ही सेल प्लेट है ना फॉर्मेशन के थ्रू इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और इसी से कैसे दो नए अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले देखो, काइनेसिस वर्ड कभी भी आए ना, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। यहाँ पे कैरियो वर्ड लगा हुआ है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। फिर से ब्लर हो रहा है, अभी ठीक है? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑल क्लियर, कुछ बोल रहे हैं ऑल ब्लर।
ओके, वेट वेट, निखिल, निखिल ने तो बोला है क्लियर है, ब्लर है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, हाँ क्या हो गया बोर्ड पे? अभी देखिएगा, रिप्रोडक्शन को, है ना? और हमने डिस्कस भी कर लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। बेसिकली ये एक डिफाइनिंग नहीं, नॉन डिफाइनिंग फीचर ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी की वजह से अर्थ पे जो लाइफ है, लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन है, ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये पता है रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, दूसरी बात यहाँ पे होती है कि जनरली ये होता क्या है, अब हमें ये समझना है। हमें पता है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, बट हाईली इसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, होता क्या है, देखिए वही सेम, री मतलब क्या होता है, अगेन, है ना, री मतलब अगेन, और जो इसमें नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्शन, इसका मतलब तो आप सबको पता ही है ना, फॉर्मेशन। यानी कि जब कोई एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे इंडिविजुअल को दोबारा से बनाता है, अगेन रिफॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच या द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच, या इंडिविजुअल कह सकते हैं इन विच, ठीक है, ही और सी हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफिस स्प्रिंग, अ न्यू ऑफिस स्प्रिंग, ऑफिस स्प्रिंग लाइक इट, ठीक है, या न्यू ऑफिस स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। वो प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफिस स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया होगा? नाउ बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, बस बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, कितने टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दे आर मेनली ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, कौन कौन से, पहला, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, अगर ये प्लांट्स में देखने को मिले तो हम इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा दिस विल बी कंसिडर इन प्लांट्स बॉडी, और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेनली सम लोअर ऑर्गेनिजम्स में, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है वो हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, ज़्यादातर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, मेनली इन लोअर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो या मैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ज़्यादा बेटर होगा, इसमें हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नाउ द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हायर प्लांट्स, या मैं सिंपली यहां पे लिख देती हूं कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म. हायर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स लिख दिया है तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इंक्लूडेड है. ठीक है, चलिए अब हमने यहीं पे इनको डिस्कस कर लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी कि टाइप्स के साथ साथ ही हम इन दोनों में क्या कर देते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन. ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं ही, इसी के अंदर हम यहाँ पर डिफरेंसेस भी कर लेते हैं. एक एग्जाम्पल, एक डिफरेंस तो हमारा हो चुका है. अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें इसका मतलब पता है. ठीक है, बस हमारे पास में ये, मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी कहीं भी ए वर्ड आए या डी वर्ड आए उसका मतलब होता है एब्सेंस. तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एब्सेंस. ठीक है, ये जिस ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उनमें एब्सेंस होता है. किसका होता है, गोनाड्स का होता है. ठीक है, एब्सेंस ऑफ गोनाड्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एब्सेंस ऑफ गोनाड्स, या यहां पे क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक काम करते हैं हम अलग से लिखेंगे डिफरेंसेस को, पहले आप थोड़ा हम समझ लेते हैं. ठीक है, अभी हटा देते हैं. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, का मतलब होता है ये जो रिप्रोडक्शन है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कंप्लीट होता है. तो ए मतलब एब्सेंस और आगे सेक्सुअल वर्ड लगा हुआ है, इट इज फॉर आइदर यू मे कॉल गोनाड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, या हम और भी कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, नहीं होते हैं इस तरह के रिप्रोडक्शन में, या उन ऑर्गेनिम्स में जो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ए वर्ड नहीं लगा हुआ है. तो इट मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स कह सकते हैं हम, या गोनाड्स कह सकते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट. कोई डाउट है यहां तक में? कोई डाउट नहीं होगा. आई थिंक मैं ये बोर्ड रब कर दूं बेटा, बच्चों बोर्ड रब कर दूं क्या, जल्दी बोलो थोड़ा, क्योंकि अब हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं. ठीक है, ठीक है, अब हम इसे रब कर देते हैं और अब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, मेन मेन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे. सो differences between asexual, ठीक है, एंड यहीं पे कर लेते हैं हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, देखिए पहला डिफरेंस, यहां हम इसके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर करके समझेंगे, यहां पे हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे. फर्स्ट डिफरेंस तो अभी हमने लिखा है, एक यहां पे एब्सेंस होता है किसका, गोनाड्स का. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ गोनाड्स, नहीं होते हैं इस तरह के रिप्रोडक्शन में. बट हेयर यहां पे क्या होंगे जी, यहां पर प्रेजेंस होंगे, प्रेजेंस यहां पर प्रेजेंस ऑफ गोनाड्स. ठीक है, अच्छा दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट क्या होगा,
ये पॉइंट तो हम अभी समझ चुके थे। सेकंड पॉइंट होगा यहाँ पे मोस्टली मेनली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, सिंगल पेरेंटल बॉडी रिक्वायर ओनली। पर अगर मैं पूरा ये ऐसे बोलती हूँ कि यहाँ सिंगल पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे टू पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व होगी, तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टू पेरेंटल बॉडीज आर रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, या मैं कह सकती हूँ कि जितने भी हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बाइसेक्सुअली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी सिंगल पेरेंटल बॉडी ही होती है, लेकिन फिर भी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि उनके मेल और फीमेल गोनाड्स उसी एक सिंगल बॉडी में अलग अलग पोजिशंस में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो मेल जो गोनाड्स है उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल जो गोनाड्स है उसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देन इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटल बॉडी विल ऑलवेज बी टू, वो वन भी हो सकती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंस किसका होना चाहिए, टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विल प्रेजेंट। आया समझ में? अगर सिंगल पेरेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली सिंगल पेरेंटल बॉडी, सिंगल पेरेंटल बॉडी इन्वॉल्व्स। ध्यान से समझिएगा, बड़े सिंपल से डिफरेंसेस हैं, पर ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल, सिर्फ यूनिसेक्सुअल ऑर्गन्स में हम कह सकते हैं कि टू पेरेंटल बॉडी विल रिक्वायर, लेकिन बायसेक्सुअल अगर बॉडी है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल अर्थवॉर्म का दिया है, तो उसमें सिंगल पेरेंटल बॉडी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा, गैमीट्स जो हुए वो अलग अलग गोनाड्स पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, वैसे तो क्या है, टू पेरेंटल बॉडी है ना रिक्वायर, वैसे तो यही होगा कि टू पेरेंटल बॉडी रिक्वायर, बट अब हम इसको जो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, बट इन हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का ये सिंबल होता है, देखिएगा ये जो सिंबल है ना, ये मेल इंडिविजुअल के लिए सिंबल होता है, ये सिंबल फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों सिंगल ऐसे कर देते हैं तो ये मेल ये फीमेल, यानी कि ये बायसेक्सुअल ऑर्गेन्स का सिंबल होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, बट इन बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू सेक्स ऑर्गन्स शॉर्ट में लिख दिया है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी। तो ये चीज आपको समझनी है कि बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, वन है कि टू है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बॉडी है, लेकिन उसी एक बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। ये है इसका सेकेंड पॉइंट, समझ में आया सबको, यस और नो? नाउ थर्ड पॉइंट, यहाँ पर क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं है तो गैमेट फॉर्मेशन का कोई सवाल ही नहीं बनता है ना, इसीलिए यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, एब्सेंट होती है, नहीं होती है। आपको पता है ना गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जेनेसिस वर्ड कभी भी आए तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, ये होता है जेनेसिस वर्ड का मतलब। इसके आगे क्या वर्ड लगा हुआ है, गैमेटो, यानी कि बात किसकी हो रही है, गैमेट की हो रही है, ऐसे है ये गैमेटोजेनेसिस। तो हमने जेनेसिस का मतलब पता कर लिया, फॉर्मेशन, तो गैमेट का मतलब क्या हो गया है, गैमेट है ना। तो गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सिंथेसिस ऑफ गैमेट, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। हमेशा गैमेटोजेनेसिस गोनाड्स में होती है, जर्म सेल्स में होती है, यहाँ पे गोनाड्स ही एब्सेंट हैं तो गैमेटोजेनेसिस होने का कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका पॉइंट होगा, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, चाहे वो
यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं और चाहे वो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि मेन तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, गोनाड्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो गैमिटोजेनेसिस प्रेजेंट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड डिफरेंस। नाउ फोर्थ डिफरेंस पे बात करते हैं। फोर्थ वन इज क्या होगा, जब गैमेट बनते हैं, देखिएगा, समझिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये एक मेल बॉडी है, ये एक फीमेल बॉडी है, फीमेल इंडिविजुअल ये है, मेल इंडिविजुअल ये है, इसके पास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इसके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। गैमेटोजेनेसिस होगी, दोनों में होगी, अलग अलग होगी, दोनों के अपने अपने गोनाड्स में होगी। ठीक है, यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस होगा उसको हम क्या कहते हैं, मेल इंडिविजुअल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब वही फॉर्मेशन, स्पर्मेटो मतलब मेल गैमेट्स, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस होगी उसका नेम क्या होगा, दैट इज ऊजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब वही फॉर्मेशन, ऊ जो वर्ड है यहाँ पर ये आया है ओवम के लिए या ओवा के लिए या एग के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज ऊजेनेसिस, जो कि फीमेल ऑर्गेनिजम्स में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, जो कि मेल इंडिविजुअल्स में होती है। तो ये बने, बनने के बाद में क्या होता है, जब रिलीजिंग होगा। ठीक है, तो हमेशा ये जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स लाइक दिस, ठीक है, और ये सपोज एक एग सेल है, इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और वो फ्यूजन होकर के क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड सेल बनाएगा, एक डिप्लॉयड सेल जिसे हम जायगोट बोलते हैं। अभी तो ये हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, ये इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, दोनों के पास में एक एक न्यूक्लियस है, हैप्लॉयड है, पूरा पढ़ेंगे हम डिटेल में। लेकिन यहाँ पर एक न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस इसका, दो न्यूक्लियस हो गए, और ये वाली जो सेल हो गई ये आपकी डिप्लॉयड हो गई। डिप्लॉयड को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैप्लॉयड के लिए स्मॉल मतलब सिंगल एंड। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड है वो क्या बनेगा, वो जायगोट बनेगा। इतनी बात समझ में आई। इस स्टेप के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, यहाँ ये प्रोसेस है ही नहीं क्योंकि इनमें गोनाड्स ही नहीं है, ये प्रोसेस यहाँ पे है। अगर इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि ये फ्यूजन तो जरूर होगा, है ना। जो फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, उस फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसका रिजल्टेंट है जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कभी भी आ जाए फर्टिलाइजेशन, है ना। देखो जेशन का मतलब होता है एडिशन, फर्टी मतलब आपने सुना होगा ना, फर्टाइल, फर्टाइल, तो फर्टाइल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, तो फर्टिलिटी जो कॉज होगी वो इनकी वजह से होती है। अगर दो फर्टाइल सेल्स फ्यूज कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होता है, ये फर्टिलाइजेशन ही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है और यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, यही तो जाइगोट है जो आगे जा करके जाइगोट में फिर डिवीजन्स होंगे, माइटोटिकली डिवीजन्स, वो एम्ब्रियो बनाएगा, मोरुला, ब्लास्टुला, तब इसी से जाकर के तो एक फीटस से फिर जो यंग वंस है उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये है वो, इनके इसके फॉर्मेशन के लिए ये थे मेन रूट्स, ये हैं वो जर्मिनल सेल्स। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट और डिफरेंस देखते हैं हम, इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे, यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस होती है तो सेल्स ही ना, जर्मिनल सेल्स है। आपको मैंने बताया था कि दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। जो गोनाड्स होते हैं उनमें हमारे जर्मिनल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि अब जो सेल का डिवीजन होगा वो किस तरह से होगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोटिकली सेल डिवीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हमें वो समझना है कि माइटोटिक डिवीजन क्या होता है और मियोटिकली डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि दे रिप्रोड्यूस बाय ओनली माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोड्यूस, या ऐसे लिखते हैं हम, ओनली वन टाइप है ना, ओनली माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन, ओनली माइटोटिक डिवीजन अकर्स किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां पे दोनों तरह के होंगे, सोमेटिक सेल्स में तो माइटोटिकली होगा, लेकिन हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहां तो पूरी की पूरी माइटोटिकली ही डिवीजन होगा कोई भी सेल्स हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेन्स में देखने को मिल रहा है, ये तो हायर सेल्स में है। सोमेटिक सेल्स में तो चलो मान लिया माइटोटिकली डिवीजन है, लेकिन रिप्रोडक्शन में तो सोमेटिक सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ जर्मिनल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जर्मिनल सेल्स में यानी कि जो ये गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये माइटोटिक सेल्स डिवीजन के थ्रू नहीं होता है, मियोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइटोटिक भी होगा सोमेटिक सेल्स में, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट डिवीजन है वो मियोटिक है। तो मैं यहाँ दोनों लिख देती हूँ और आपको समझा दूंगी, माइटोटिक एंड मियोटिक, मियोटिक डिवीजन अकर्स। दोनों ही टाइप के डिवीजन्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो ये वाला डिवीजन है मियोटिक डिवीजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। This division is responsible for reproduction. ये वाला जो division है ये है reproduction के लिए responsible, ना कि mitotic division. तो अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे इधर आकर के कि mitotic क्या होता है, meiotic division क्या होता है। ये साइड में रब कर रही हूँ। देखिए mitotic division को ना बहुत ब्रीफ में समझाऊंगी। माइटोटिक डिवीजन को हम और भी क्या बोलते हैं, बेसिकली माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोटिक या माइटोसिस, ठीक है, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन भी एक इसका दूसरा नाम है, आप माइटोटिक डिवीजन कह लीजिए या इक्वेशनल डिवीजन कह लीजिए। सपोज करना ये एक सेल है, कोई भी एक सेल हो सकती है, और ये डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड का मतलब इसके पास में टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल है ये, कोई भी एक सेल है। हमें पता है, हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था जब हम अमीबा के बारे में बात कर रहे थे, कि जब कोई भी सेल डिवाइड करती है तो उसमें पहले ग्रोथ होती है, और फिर ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे क्या क्या होता है उसके अंदर में, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर उसमें साइटोकाइनेसिस होता है ना, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी कि सेम ऐसी कहानी यहाँ पर भी होगी। अगर ये एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है नेचर में, तो ये सेल पहले इसी सेल के अंदर में क्या होगा, इसी, सपोज करिएगा कि ये डिप्लॉयड सेल इस तरह से है, ये इस तरह से डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, डिवीजन होगा इसी एक सेल के अंदर। दो न्यूक्लियस है यहाँ पर, एक ये है एक ये है, ये न्यूक्लियस है दोनों ही, ठीक है। इस एक वाले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ पहले तो, और फिर ये जो दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। आया समझ में, काइनेसिस वर्ड मैंने आपको बता दिया डिवीजन के लिए होता है, कैरियो जो वर्ड होता है ये न्यूक्लियस के लिए आता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो गया, ऑफकोर्स इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फिर ये सेल किसके अंदर जाएगी, नाउ इट विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस,
ठीक है, एक बेसिक आप भी, आपको आपके लेवल पे बता रही हूँ, 10th लेवल पे इतना जानना काफी होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस डिटेल तो हमें पढ़नी ही है, इसकी नेचुरल सी बात है। वही सेम काइनेसिस मतलब डिवीजन, और साइटो का जो मतलब है ये आया है साइटोप्लाज्म के लिए, यानी कि जब इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तभी तो सेल का डिवीजन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सेल कुछ इस तरह से दिखेगी अब हमें, इस तरह से। ठीक है, जब ये साइटोकाइनेसिस के अंडर में होगी तो इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ है, इस तरह से है इसके न्यूक्लियस, यानी कि अब इस सेल का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और ये सेल अपने दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गई, एंड दोनों सेल के पास में डिप्लॉयड ही न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन अभी ना मैंने इसको इस तरीके से बना रखा है, लेकिन ये एक साथ होते हैं दोनों न्यूक्लियस, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम डिप्लॉयड बोलेंगे ना तो वो एक साथ होते हैं। अभी जो ये वाली कंडीशन चल रही है, ऐसे चल रही है n+n+n+n, ये वाली कंडीशन है। यहाँ पर भी अभी n+n कंडीशन है, हैप्लॉयड हैप्लॉयड, ये भी कंडीशन यही वाली है। लेकिन यहाँ पर जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है 2n डिप्लॉयड, ये हो गई आपकी 2n। तो एक्चुअल में ये सेल इस स्टेज में नहीं होती है, डिप्लॉयड सेल का मतलब होता है कि वो जो उसका न्यूक्लियस है वो इस स्टेज में होता है, n प्लस एल में नहीं होता है, 2n में होता है। n प्लस एल तो वो कब होता है, डिवीजन के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद। ठीक है, तो देखिए इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला, जितना कंटेंट इस सेल के पास था, जितना भी कंटेंट था, जितना मर्जी डीएनए था, जितना मर्जी न्यूक्लियस था, जितना मर्जी साइटोप्लाज्म था, वो सब एकदम इक्वल क्वांटिटी में यहाँ आया है। ठीक है, इन दोनों डॉटर सेल्स में, इस ये इसके क्या है, एक पेरेंटल सेल है, ये एक पेरेंटल सेल है, और ये दोनों कौन से वाले सेल्स हैं, ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये दोनों डॉटर सेल्स हैं। इन दोनों डॉटर सेल्स के पास में अपने पेरेंटल सेल के इक्वल क्वांटिटी में कंटेंट अवेलेबल है, इसीलिए इसको कहा गया है इक्वेशनल डिवीजन। अगर यहाँ पर 27 पेयर ऑफ न्यूक्लियस हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पर भी 27 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दोनों में ही। अगर यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो यहाँ दोनों में ही होंगे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक डिप्लॉयड सेल से दो इक्वली डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाना ही क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है माइटोटिक डिवीजन, ये वाला डिवीजन जो हम पढ़ रहे थे ना, अमीबा रिप्रोड्यूस कर रहा था, वो माइटोटिक डिवीजन ही तो था। एक पेरेंटल सेल थी, उसी एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, इक्वली डॉटर सेल्स का, तो ये होता है माइटोटिक डिवीजन। समझ में आया, हमारी बॉडी में भी होता है, लेकिन ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, हमारे जर्मिनल सेल्स में कभी नहीं होता ये। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो, जल्दी बताइए, आगे बढ़े थोड़ा, यस ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं मियोटिक डिवीजन क्या होता है। ठीक है, मियोटिक को इक्वेशनल नहीं कहा जाता है, मियोटिक को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड, ये माइटोटिक यहाँ पे भी जो है ना, ये भी सेम वे में होगा जो अभी हमने पढ़ा है। ये क्या है मियोटिक, ठीक है, इधर आते हैं, मियोसिस। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं खुद को, या तो माइटोटिकली करते हैं या तो मियोटिकली करते हैं। डिफरेंस इतना है कि जो मियोसिस होता है ये जर्मिनल सेल्स का करेक्टर फीचर है, जर्मिनल सेल्स यानी कि जो गोनाड्स के जो सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, उन सेल्स में देखने को मिलता है मियोसिस को। और भी क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, इसे और भी क्या कहते हैं हम, रिडक्शनल डिवीजन। जबकि माइटोटिक डिवीजन को हमने क्या कहा था, इक्वेशनल डिवीजन। देखते हैं कैसे होता है इसमें, ये देखिएगा एक सेल है सपोज, है ना, हम हमारे सेल्स की बात कर लेते हैं, ये कई एक सेल है ये,
अभी ये सेल डिप्लॉयड स्टेज में है, ठीक है? ये कैसे सेल स्टेज में है? डिप्लॉयड स्टेज में है। तो पहले फेज में तो ये बिल्कुल माइटोटिकली ही डिवाइड करेगी, ये दो बार मियोटिक वन मियोटिक टू में एंटर करेगी। सेल साइकिल नहीं पढ़ा रही हूँ पूरा, बस एक छोटा सा बहुत सिंपल वे में समझने के लिए बता रही हूँ, है ना? तो अभी जब फर्स्ट स्टेज में एंटर करेगी तो अभी यहाँ तक तो ये सेल डिप्लॉयड ही रहेगी। ये आपकी मियोटिक, यानी कि यहाँ पर डिवीजन दो बार होगा, एक बार हुआ तब तक तो ये इक्वेशनल डिवीजन ही है, अभी तक तो ये इक्वल ही है। लेकिन अब भाई ये दोनों इस सेल के तो डॉटर सेल्स हैं ना, है कि नहीं है? ये दोनों जो सेल्स हैं ये इस सेल के डॉटर सेल्स हैं कि नहीं है? ऑफ कोर्स हैं। अब ये वाले जो सेल्स होंगे, पर यहाँ पे लिखा नहीं जाता है तो मैं इसको हटा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब क्या होगा, ये दोनों सेल्स वापस से दो दो सेल्स को फिर फॉर्म करेंगे। वेन ये तो म्यूटिक फर्स्ट के थ्रू रिजल्ट आया है, ये जो आगे जाकर के कहानी बनेगी ये बनेगी मियोसिस सेकेंड की। वहां सिर्फ एक ही बार डिवीजन हो रहा था, यहाँ दो बार डिवीजन हुआ है। पहली स्टेज तक सेल इक्वेशनल फेज में रहेगी, लेकिन दूसरे फेज में सेल रिडक्शनल फेज में आ जाएगी। रिडक्शनल का मतलब क्या होता है? हाफ रह जाएगी। अगर यहाँ तक डिप्लॉयड है तो यहाँ आते आते इस एक सेल से भी दो सेल बनेंगे हैप्लॉयड, इस एक सेल से भी कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे, और दोनों ही हैप्लॉयड होंगे। सिंपल वे में अगर मैं कह दूं कि एक सेल से फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉयड सेल जब बनते हैं तो उसे हम रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिक डिवीजन कहते हैं। अब समझिएगा आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जर्मिनल सेल का हम एक एग्जांपल लेकर के कंसीडर कर रहे हैं इसको। जैसे कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स नंबर वी हैव। अगर मैं सिर्फ जर्मिनल, यानी कि हमारे पास में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मैं इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 22 तो हमारे पास में ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर हमारे पास में एलोसोम का होता है, तब तो 23 पेयर होते हैं। एक तो 22 ऑटोसोम्स, एक पेयर हमारे पास में ये वाला क्रोमोसोम हो गया। अब एक्स वाई क्रोमोसोम है, मतलब कि ये एक मेल गैमेटिक सेल है, मेल सेल है। यहाँ तक के स्टेज में इक्वली डिवीजन होगा, यहाँ तक ये ऐसे ही रहेगी, 22A plus XY ऐसे ही रहेगा ना। जैसे ही ये दोनों सेल्स रिडक्शनली एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेज आ जाएगी अब कैसे हो जाएगी, 11 11, है ना? 11 ऑटोसोम्स प्लस एक आएगा इसमें से, कोई एक क्रोमोसोम X। ऐसे ही यहाँ पर 11 प्लस Y, ऐसे यहाँ पर 11 प्लस X, ऐसे यहाँ पर 11 ऑटोसोम प्लस एक Y क्रोमोसोम। तो मेन मोटिव तो हमारा इस वाले क्रोमोसोम से था ना, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर तो सब हाफ हो गया कि नहीं हो गया? देखिएगा ये हाफ है कि नहीं है, एकदम से रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। यहाँ पे जो ये अगर आप एलोसोम की बात करते हैं तो एलोसोम भी आधा रह गया, ऑटोसोम की बात करते हैं तो ऑटोसोम भी आधा रह गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह का जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं हम मियोटिक डिवीजन। सिंपल वे में आप यहाँ से भी समझ सकते हो, एक डॉट फुल है आपकी डिप्लॉयड सेल, उस डिप्लॉयड सेल से फोर हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होना, ये है वो डॉटर सेल्स, इसे कहते हैं हम क्या, मियोटिक डिवीजन। आया समझ में? जल्दी से बताइए ये सब नो, ताकि हम आगे के डिफरेंस को कंटिन्यू करें। देखिए अब इसके आगे हमने 6 पॉइंट अभी तक डिस्कस कर लिए डिफरेंसेस में, इसके आगे एक और डिफरेंसेस है 7। यहां पे क्या होता है, दो चीजें हैं, एक तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ वहां पे और एक क्या हुआ था, फ्यूजन होता है। यहाँ तो ना तो फ्यूजन हो रहा है ना तो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस न... यहाँ पर नो वेरिएशन अकर्स,
नो वेरिएशन अकर्स, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन अकर्स, ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कैसे? देखो, ये एक सेल थी, माइटोटिकली अगर ये रिप्रोड्यूस कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो ये दोनों डॉटर सेल्स बन गए, यानी कि इस एक पेरेंटल बॉडी से दो नए सेल्स बन गए, फिर ये रिप्रोड्यूस किया, इससे दो नए सेल बन गए, इससे दो नए सेल बन गए। ना तो यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम नंबर हो रहा है और ना ही यहाँ पे कोई फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, क्योंकि गैमेट्स तो बन ही नहीं रहे, डायरेक्टली ऐसे ही सेल्स का डिवीजन चल रहा है, तो चांसेस नहीं बनते हैं वेरिएशन के। लेकिन वहाँ पे वेरिएशन कैसे होंगे? हम जानते हैं कि मेल और फीमेल बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेल बॉडी है और ये एक फीमेल बॉडी है, यहाँ पर इससे जो बन रहे हैं वो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, और इससे जो बने हैं वो फीमेल गैमेट्स हैं। ये तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर थ्रू मियोसिस हुआ है। अब क्या होगा, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था ना, फर्टिलाइजेशन, यहाँ तो एब्सेंट है लेकिन वहां तो होता है ना, यानी कि जब इन दोनों बॉडीज में अलग अलग गैमेट्स बन गए, नाउ दीज बोथ गैमेट्स विल फ्यूज टुगेदर। एक तो इनके क्रोमोसोमल नंबर भी हाफ रह गए थे, सपोज इसके पास में 11 ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम आया मेल इंडिविजुअल की बॉडी से, ऐसे ही इधर तो हमें पता है फीमेल के पास में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, प्लस यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम आया, ये दोनों फ्यूज करके इस स्टेज में आ गए, वापस से आ गए ना ये, तो एक इसके एक्स क्रोमोसोम में और एक इसके एक्स क्रोमोसोम में, अगर ये जब बने होंगे गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, कोई गैमेट्स में, कोई क्रोमोसोम नंबर में, कोई जीन्स में अगर वेरिएशन रहा होगा, तो वो वेरिएशन यहाँ पर भी आ गया। या दूसरा पॉइंट और समझिएगा, ये जो इसके जीन्स हैं और इसके जीन्स हैं बिल्कुल 100% सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट हैं, तो वो दोनों का फ्यूजन भी यहाँ पर आ गया। आया जब ये गैमेट्स बने होंगे उस टाइम पर भी कोई अगर चेंजेस आया होगा तो वो चेंज सीधा यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा। हेरिडिटी में यही तो होता है, यही तो पढ़ते हैं हम, यही तो पढ़ा था हमने कि जो भी चेंज पेरेंटल बॉडी में होगा अगर वो जर्मिनल सेल्स में हुआ है तो वो उनकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या रहता है, वेरिएशन होता है, इसीलिए वहाँ पर वेरिएशन होता है। यहाँ पर ऐसी कोई कहानी होती ही नहीं है, फ्यूजन जैसी कोई स्टोरी ही नहीं है, इसलिए कोई वेरिएशन भी नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब बहुत सिंपल है, अगर यहाँ कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है तो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी लेस। यहाँ पर वेरिएशंस होते हैं इसीलिए चांसेस ऑफ इवोल्यूशंस आर वेरी हाई। यहाँ पे क्या होते हैं, इवोल्यूशन ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं इवोल्यूशन के, और इवोल्यूशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या लेते हैं, इवोल्यूशन, चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज लेस, डिक्रीजेस। इवोल्यूशन पूरा लिखिएगा आप, चांसेस ऑफ इवोल्यूशन इज वेरी लेस इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन अकर्स, ठीक है। वेरिएशन क्यों नहीं होता है, neither gametogenesis nor fertilization occurs, so that no variation occur, if no variation it means no evolution, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, chances of evolution are very high, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पूरा, chances of evolution is very, आगे ले आते हैं, is very high, यहाँ पर होता है, यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, एक लास्ट और डिफरेंस हम लिख लेते हैं विद एग्जांपल्स को कंप्लीट करके फिनिश करते हैं। वो जो लास्ट है उसको हम कहाँ लिख दें, कहीं जगह मिले, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं नीचे, 9th पॉइंट। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स बनती है ना, वो 100% अपने पेरेंट्स के जैसी होती है। जैसे ये तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एक अमीबा सेल है, अगर ये माइटोटिकली रिप्रोड्यूस करेगी, नेचुरल सी बात है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही है, यानी कि जो 100% अपने जेनेटिकली और फिनोटिपिकली दोनों तरह से अपने पेरेंटल आइडेंटिटी होती हैं जो ऑफस्प्रिंग्स, उनको हम क्लोन्स कहते हैं, क्लोन्स, CLONES, क्लोन्स मतलब
100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल कॉपी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% पेरेंटल कॉपी नहीं होती है। कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे 100% अपने पेरेंट्स के जैसा तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनको जो यहाँ बनते हैं उनको ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं क्योंकि वो वेरिएशंस के थ्रू बनते हैं। हाइब्रिड कहा जाता है क्योंकि वो फ्यूजन होता है, मिक्सचर होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर जो इनके बच्चे होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो करते हैं उनको कहा जाता है क्लोन्स, ठीक है। और जो क्लोन्स का मतलब होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, दे आर 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल वंस, उनको कहते हैं क्लोन्स। यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हाइब्रिड्स बनते हैं। हाइब्रिड्स मतलब फ्यूजन बनते हैं एंड दे आर नॉट 100% जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स वन, ठीक है। अब बस हम इसमें एग्जाम्पल के साथ फिनिश कर देते हैं। मेनली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पहले भी लिख लिए थे हमने, हायर ऑर्गेनिजम्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, और ये मेनली किस में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एक बिल्कुल लास्ट आपको बताती हूँ, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब हम ग्रोथ पॉइंट को पढ़ रहे थे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर, कैसे ये और समझ लीजिएगा फिर हम एंड करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनियम टू ईच अदर, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी देखा था, सिनोनियम होते हैं, अमीबा का एक एग्जाम्पल लिया था, उस एक अमीबा से दो नए अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा था। हमने ग्रोथ में क्या पढ़ा था, ग्रोथ में पढ़ा था इंक्रीजिंग इन सेल साइज, सेल मास, सेल नंबर या ओवरऑल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ वही तो हो रहा है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में सिनोनियम किस में होंगे, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कहा जाएगा इनको सिनोनियम, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि जब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, जब ये अमीबा की ग्रोथ होगी तो उस ग्रोथ का मतलब उसका नंबर बढ़ेगा। क्यों नंबर बढ़ेगा, क्योंकि तभी वो अपने आप को स्प्लिट कर देगा दो नए डॉटर सेल्स में। तो जब नंबर बढ़ता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। एक तो ग्रोथ है कि सेल साइज, पहले सेल इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, एक तो ये है ग्रोथ, ठीक है, हम लोगों में जो देखने को मिलती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर वो बर्थ है, यानी कि ये जो नए अमीबा सेल्स हैं फिर इनमें वही ग्रोथ होगी, और जैसे ही अपने मैच्योरेशन फेज पे पहुंचेंगे वहीं से ये दोनों भी क्या कर देंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे और नए अमीबा सेल्स को फॉर्म कर देंगे। तो एक तो ये ग्रोथ है जब सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, और जब सेल का नंबर बढ़ रहा है देन ये रिप्रोडक्शन है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का सिनोनियम है दोनों एक दूसरे के, क्योंकि जब उसमें ग्रोथ होती है इसका मतलब नाउ दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज रेडी टू मल्टीप्लाई सेल्फ, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी है, डिवाइड करने के लिए रेडी है, और जैसे ही वो डिवाइड करेगा वैसे ही उसका नंबर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन काउंट बढ़ जाएगा, तो वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया सबको यहाँ तक, हाँ या ना। ये हमारा सेकंड, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, ग्रोथ हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, रिमेनिंग टू और थ्री है, इसके बाद हम हमारा इलेवंथ का ही स्टार्ट करेंगे। टेंथ का बेसिक आपके लेवल तक इतना बहुत है, बाकी का जो आता रहेगा हम धीरे धीरे हर चैप्टर का पहले फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।